हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पेरेंटिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेरेंटिंग होता क्या है। गाइस, पेरेंटिंग बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, जो कि न्यू बॉर्न से लेके एडल्टहुड तक होती है। ये ना तो सिर्फ बच्चे की फिजिकल या बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है, बल्कि बच्चे की इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल या सोशल डेवलपमेंट भी होती है। एक अच्छी पेरेंटिंग प्रिपेयर करती है बच्चे को कि बच्चा इस दुनिया को बहुत स्ट्रांगली और ब्रेवली फेस करे, जो कि हम सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं। इस हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें, बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाएं, ताकि हमारा बच्चा भी एक वेल बिहेव्ड चाइल्ड हो, या बच्चे की जो भी फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो भी हम बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चे को अच्छी चीज़ें दिलाते हैं, और बच्चे का एक पेरेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग होता है, वो हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा एक आइडियल चाइल्ड हो। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पेरेंटिंग के उस फेज़ के बारे में, जहां या तो अभी आप न्यू पेरेंट्स बने हैं, या फिर क्योंकि जैसा आपको पता है कि अभी मेरी बेबी 2 इयर्स की है, तो अब तक का जो मेरे समय को लेकर के जो मेरे अनुसार जो पेरेंटिंग टिप्स है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। ऑफकोर्स मेरी बेबी बड़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मेरा जो ये चैनल ही बेस्ड है पूरा पेरेंटिंग के ऊपर, तो मैं जितने भी वीडियो पोस्ट करती हूँ वो या मदर केयर के ऊपर होता है या बच्चे की परवरिश के ऊपर होता है। तो आप रिलेटेड वीडियोस चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। पेरेंटिंग का सबसे फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि मदर होने के नाते सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप बच्चे को टाइम नहीं दे सकती हैं। अगर आपका मन चिड़चिड़ापन है तो आप बच्चे के ऊपर टाइम नहीं दे सकती है। ये सब चीज़ें बिल्कुल नेचुरल होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको खुद का ध्यान रखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, जितना हो सके उतना रेस्ट लीजिए। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प ज़रूर लीजिए। अगर आपके पास आपकी अगर मदर है या मदर इन लॉ है तो उनकी 100% हेल्प लीजिए। अगर आपके पास ये दोनों सुविधाएं नहीं है तो आप किसी नैनी को रख सकते हैं, या किसी ऐसी लेडी को रख सकते हैं जो जिसके जिसके हेल्प से आप बेबी की जो स्टार्टिंग के फेज़ की जो परवरिश होती है उसमें आपको कुछ मदद मिल सके। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि मदर हेल्दी हो, कि एक बच्चे की परवरिश करना बहुत इजी टास्क नहीं होता है। इसमें आपकी खुद की बहुत एनर्जी लगती है, और अगर आप अभी न्यू मदर हैं तो अभी आप खुद अपने शरीर से वीक हैं। और ये वीडियो सिर्फ मम्स के लिए ही नहीं है, बल्कि डैड्स के लिए भी है, क्योंकि माँ बाप दोनों की परवरिश जो है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दोनों की बॉन्डिंग बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट मदर के लिए ये जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कि एक मदर जो है वो बेबी को जन्म देती है और वो खुद शरीर से इतनी वीक होती है, बट स्टिल बेबी को न्यू बॉर्न से ही मदर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइज, पेरेंटिंग का सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है मदर को 100% प्रिपेयर होना कि वो अपने बच्चे की परवरिश के लिए पूरी तरीके से जो है उनके अंदर विल पावर वो स्ट्रांग है होता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना बच्चे के साथ, बच्चे को फील करिए, बच्चे को हग करिए, बच्चे के चीक्स पे किसेस करिए, ऑब्वियसली हाइजीन मेंटेन करते हुए। तो इन चीज़ों से ये होता है कि बच्चा आपकी स्मेल को पहचानता है, और बच्चा आपकी गोदी में इसलिए इजीली काम हो जाता है अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है। तो कोशिश करिए स्टार्टिंग में जितना हो सके बच्चे को स्किन टच दीजिए, और जितना बच्चा आपके करीब रहेगा बच्चा आपके गोदी में अपने आप को सेफ फील करेगा। बच्चे को जब आपने गोदी में लिया हुआ है तो बच्चे की आपने आईज में देखना है, स्माइल करना है, बच्चे से बातें करनी है। आपको पता है कि बच्चा आपकी लैंग्वेज को नहीं जो है वो समझ पा रहा है, लेकिन वो आपकी वॉइस को सुन रहा है, उसको पहचान होती है धीरे धीरे कि ये पर्सन मेरे से बात कर रहा है। आपकी वॉइस को वो पहचान, आपकी स्मेल को वो पहचानता है, जिससे कि वो पहचान पाता है कि ये मेरे मदर फादर हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे के साथ आप जितना हो सके बात करिए, बच्चे के साथ कुछ ऐसे टॉयज बच्चे को इंट्रोड्यूस कराइए जो बच्चे को देखने में अच्छा लगे, क्योंकि टॉयज बहुत कलरफुल होते हैं और बच्चा उससे इंट्रैक्ट करता है तो बच्चे को अच्छा लगता है। तो गाइज, जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा, बड़ा होगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी तरीके से बढ़ती चली
चली जाएंगी, बच्चे को जितनी भी तरह की ट्रेनिंग्स देनी है आपको, बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग, सुसु ट्रेनिंग या टूथब्रश ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको आपकी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जिस फेज में मैं हूँ तो क्या चीज़ें मैं करती हूँ, तो गाइज मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके बच्चे को मैं एक मदर टाइम दूँ, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो सिर्फ मेरे ही टाइम को चाहती है। तो गाइज अगर आप पेरेंट्स हैं, मदर या फादर जो भी हैं, अपने बच्चे को समय ज़रूर दीजिए, चाहे आप वर्किंग है या आपका बिजी शेड्यूल है, बट एक टाइम आप कोशिश करिए कि आपने बच्चे को वो टाइम देना ही देना है, क्योंकि बच्चा एक टाइम को समझता है और वो भी एक मदर और फादर के टाइम को इंजॉय करना चाहता है। बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बच्चे को माँ और पिता दोनों का साथ दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए दोनों ही इक्वली जरूरी है, और बच्चा कहीं ना कहीं दोनों के प्यार को मिस करता है अगर किसी भी रीजन से माँ या बाप दोनों में से किसी का भी टाइम अगर बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो टाइमली बच्चे के साथ कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाइए, ताकि बच्चा बाहर की इन्वायरमेंट को देखता है। बच्चे से कोई बड़ा है, एल्डर है, तो आप बच्चे को कोशिश करवाइए कि बच्चा उसको नमस्ते करे। बच्चे के सेम एज का कोई है तो बच्चे को हाय हेलो करना, जिसको एटिकेट्स बोलते हैं, कुछ कुछ एटिकेट्स बच्चे को आप धीरे धीरे उसको कुछ सिखाइए। बच्चे को अगर कोई टॉयज पसंद है तो आप उसको वो दिला सकते हैं, ताकि के साथ आप कोई ना कोई गेम खेलिए, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। या फिर कोई भी इंडोर गेम आप बना सकते हैं, या बाहर भी आप बच्चे के साथ जा रहे हैं अगर बॉल्स खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए बच्चे को एक प्ले टाइम दीजिए, जो कि बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फिजिकल ग्रोथ के लिए भी और बच्चे के मेंटल ग्रोथ के लिए भी। बच्चे को स्टोरी सुनाइए, बच्चे को स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, आप डिफरेंट टाइप की स्टोरी बच्चे को सुना सकते हैं, ये बच्चे के डेवलपमेंट में बच्चे को काफ़ी हेल्प करती है। बच्चा स्टोरी से एक बच्चे की इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। गाइज अभी के लिए बस इतना ही, धीरे धीरे मैं आप लोगों से पेरेंटिंग के और भी टिप्स शेयर करूंगी, जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जब हम बच्चे की एक परवरिश कर रहे होते हैं। तो मैं रिपीट करूंगी कि मेरा ये चैनल ही पूरे पेरेंटिंग को लेकर के है, आप प्लीज़ रिलेवेंट वीडियोज़ मेरे चैनल पर चेक करिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।